हे गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आईटेल A05S मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। जैसे आप सेटिंग में आ जाएंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी। आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन लॉक, एंड उसके नीचे यहाँ पर मिल रहा है फिंगरप्रिंट। तो आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद सेट स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पैटर्न पिन पासवर्ड किसी एक पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं पैटर्न पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक पैटर्न डालना है आपको, जो भी आप रखना चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, फिर से वही पैटर्न आपको कन्फर्म कर देना है एंड कन्फर्म पे क्लिक करना है। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। जैसे आप इस पर डन करेंगे तो यहाँ पर ऐड फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये बोला है कि अपनी फिंगर को स्कैन करवाइए। तो जो साइड बटन पर आपको फिंगरप्रिंट दिया गया है उस पर आपको फिंगरप्रिंट लगवाना है और अच्छे से स्कैन करवा लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका जो फिंगरप्रिंट है वो स्कैन हो रहा है। इसी तरीके से आपको भी कर लेना है और यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन आएगा, तो आपको फिनिश कर देना है। अब दोस्तों आपका फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो लग चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट से ही ओपन हो रहा है।